हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिकल लर्निंग में। और आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? रूट का मतलब होता है रास्ता और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि लगाना या देना, दवा देना। तो जो दवा जो हो, मेडिसिन जो होती है, तो उसको हम किस रूट से देते हैं? ओरल देते हैं, मुँह से खाने वाली दवाएं, या इंजेक्शन देते हैं, नस में इंजेक्शन होता है या फिर मसल्स में इंजेक्शन होता है। तो उसके जो कितने कितने टाइप्स हैं, जो कितने रूट्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पहले तीन कैटेगरीज मेनली जो डिवाइड की गई है वो एंटरल, पारेंटरल एंड टॉपिकल रूट। तो एंटरल का क्या मतलब है? एंट्रॉन शब्द का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब जो GIT होता है, अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उस रूट से जो मेडिसिन ली जाती है उसको एंटरल रूट कहा जाता है। तो एंटरल का मतलब कि हमने माउथ से मेडिसिन ली और मुंह से खाने के बाद वो मेडिसिन पेट में गई, स्टमक में गया, उसके बाद ड्यूडनम में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये जो है, जो माउथ से लेके एनस तक का जो रूट ट्रैक्ट होता है उसे हम GIT कहते हैं, और उस रूट से जो मेडिसिन दी जाती है वो ओरल रूट कहलाती है, वो एंटरल रूट कहलाती है। तो एंटरल रूट में ओरल के अलावा और भी रूट्स हैं, तो इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पार एंटरल। पार का मतलब होता है बियॉन्ड और एंट्रॉन का मतलब आपने समझ ही लिया है। तो बियॉन्ड एंट्रॉन मतलब कि जो AGIT है, अपने GI ट्रैक्ट के अलावा किसी रूट से जब मेडिसिन दी जाती है तो उसको हम कहते हैं पार एंटरल। तो इसमें जो इंजेक्शन के जो साइट है, मेनली जो इंट्रावेनस है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल, इंट्राआर्टेरियल, ये सारे जो रूट्स हैं ये पारेंटल में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब होता है लोकल। लोकल मतलब किसी एक जगह पे हम दवा यूज़ करते हैं, जैसे स्किन पे एक्सटर्नल, जैसे मलहम लगा लिया स्किन पे लोकल, तो वो हो गया टॉपिकल। आई में है, आई में आई ड्रॉप डालते हैं, या फिर नेजल ड्रॉप डालते हैं, नेजल स्प्रे होता है नाक से जो दवा ली जाती है, या आई में ऊपर से जो दवा लगाई जाती है, ऑइंटमेंट यूज़ किया जाता है, ड्रॉप। तो ये जो लोकल है, ये लोकल एक्टिंग ड्रग भी हो सकती हैं और कभी कभी जो है वो एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक भी काम करती हैं, उसका एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगी। जनरली ये लोकल होती हैं, और जो एंटरल है और पार एंटरल जो है वो सिस्टमिक इफेक्ट दिखाती हैं। सिस्टमिक मतलब पूरे बॉडी में आपको सर्कुलेट होंगी और पूरे बॉडी पे अलग अलग ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट हो सकता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे एंटरल। तो एंटरल रूट में सबसे पहले हम देखेंगे ओरल। तो ओरल जैसा कि नाम से ही पता है कि मुँह से हमें दवा लेनी है खाने के लिए, और वो फिर GI में जाएगी, मेटाबोलाइज होगी, और उसके बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है वो दवा। तो इसमें जो है ये जो मेडिसिन है, इसमें क्या एक डिसएडवांटेज है इसका, कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी क्योंकि ये इतने लंबे प्रोसेस से जाती है, पूरे लंबे ट्रैक्ट में होकर जाती है, तो थोड़ी थोड़ी मेडिसिन वेस्ट हो जाती है। मान लीजिए हमने कोई अगर 100 mg की मेडिसिन ली, तो उसमें से 70 या 80 mg ही जो है की मात्रा जो है वो एब्जॉर्ब हो पाती है या काम में आती है। तो उसकी जो बायो एबिलिटी है, जो जितनी मात्रा ली जाती है उतनी जो है बॉडी में अवेलेबल नहीं हो पाती है एक्शन के लिए। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि लेस बायो एबिलिटी होती है। और इसका क्या डिसएडवांटेज है कि इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गन्स, मतलब ये अगर हमने मुंह से दवा ली फिर वो जाती है स्टमक में, फिर ड्यूडनम में जाती है, लीवर में मेटाबोलाइज होती है, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। तो जैसे लीवर है, स्टमक है, और भी ऑर्गन्स जहाँ से वो मेडिसिन का जो रूट है वहाँ से होकर मेडिसिन गुजरती है, तो उस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी मेडिसिन है तो उसमें पहले से ही मेंशन होता है उसकी डिटेल्स में कि इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगर मेडिसिन को सही तरीके से नहीं लिया गया तो लीवर पे इफेक्ट हो सकता है या किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो मेटाबोलिज्म का जो प्रोसेस है उसमें अदर ऑर्गन्स पे भी वो मेडिसिन वर्क करती है। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बाद वेस्टेज ऑफ मेडिसिन। तो वेस्टेज ऑफ मेडिसिन मतलब जो लंबी प्रोसेस में जो मेटाबोलाइज हो रही है तो पूरा पार्ट यूज़ नहीं हो पा रहा, कुछ मेडिसिन का पार्ट वेस्ट हो जा रहा है। फिर हम इसके बाद देखेंगे, तो ये ओरल के अलावा जो और भी रूट्स हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप देखेंगे गैस्ट्रिक और ड्यूडनल, तो ये ड्यूडनल रूट से मेडिसिन कैसे ली जाती है, तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बताऊंगी। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि कभी कोई बीमार है इंसान जो मुँह से नहीं खा पा रहा, जो कहा जाता है कि खाने की नली डली हुई है, ट्यूब डली हुई है पेट में,
तो वो जो राइल्स ट्यूब होता है, फीडिंग ट्यूब जो होता है, कभी कभी मेडिसिन उससे भी दी जाती है। तो डायरेक्ट जो है गैस्ट्रिक या ड्यूडनल मेडिसिन दी जाती है, सीधे स्टमक में कैथेटर से पास कराया जाता है। तो ये ट्यूब के हेल्प से जो है मेडिसिन, कभी कभी छोटे बच्चों को देखा होगा, बहुत कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ बच्चों का GI ट्रैक्ट जो है वो जो ओरल जो है रूट से सही तरीके से काम नहीं करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ट्यूब से बच्चों को फीडिंग कराया जाता है। तो उसी तरीके से कभी कभार ट्यूब से भी मेडिसिन दी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे बक्कल। बक्कल का क्या मतलब होता है? बक्कल का मतलब होता है कि लोकल जो है मुंह में ऐसी टैबलेट जो हम लेते हैं जो हमें निगलनी नहीं होती है, पेट में नहीं जाती है, और वो चबा कर या चूस कर वो दवा को ख़त्म किया जाता है, तो वो बक्कल है। जैसे आपने देखा हो जब सर्दी वाली दवा है, जैसे विक्स की जो टैबलेट आती है वो बक्कल टैबलेट जो है बक्कल रूट का एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे सबलिंगल। सबलिंगल का मतलब जो आम भाषा में आप समझते होंगे कि डॉक्टर जो कहते हैं कि जवान के नीचे रखनी है, तो सबलिंगल मतलब जीभ के नीचे जो रखनी होती है वो ड्रग होती है सबलिंगल। तो ये सबलिंगल और बक्कल जो है ये लोकली एक्टिंग क्या, लोकली ये यहाँ से एब्जॉर्ब होती है मेडिसिन, और इसका सिस्टमिक इफेक्ट भी हो सकता है। तो सबलिंगल का एक एग्जाम्पल बताऊँगी, जो मायोकार्डियल इसीमिया जो है, जो एंजाइना के जो पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट, जो आपने टीवी में भी देखा होगा कभी किसी मूवीज़ में कि हार्ट का अटैक आता है और जो कोई मेडिसिन है वो जो पेशेंट है जिसको अटैक आता है वो एक मेडिसिन टैबलेट लेता है और जवान के नीचे रख लेता है। या फिर आपके घरों में भी पेशेंट होंगे, लोग होंगे जो हार्ट अटैक की जो कंडीशन आती है, एंजाइना जो पेन होता है, तो उसके लिए जो टैबलेट दी जाती है तो वो हमें जवान के नीचे रखी जाती है और वहीं से एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन होती है जो जवान पे, आजकल जो माउथ डिजॉल्विंग मेडिसिन्स आ गई हैं वो भी जवान पे रखने पे कल जाती है, लेकिन वो सबलिंगल नहीं, वो बक्कल की कैटेगरी में आएंगे। और सबलिंगल का मतलब होता है जवान के नीचे रखने वाली जो होती है। तो ये इसमें क्या कैटेगरी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए सबलिंगल टैबलेट में कि वो इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए लोकल, क्योंकि हमें मुँह से लेना है जवान के नीचे। है अगर वो लोकल उसका इफेक्ट इरिटेट करेगी मेडिसिन, वहाँ पे लोकल इफेक्ट होगा तो मेडिसिन का तो इफेक्ट होगा लेकिन जहाँ पे हम ले रहे हैं वहाँ पे भी उसका नुकसान होगा। तो ये लोकली इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे रेक्टल। तो रेक्टल मेडिसिन किस पेशेंट को देते हैं? जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है जो मुँह से नहीं ले पाएगा, तो उसको तो अनकॉन्शियस पेशेंट को अदर भी तरीके हैं मेडिसिन देने के, लेकिन एक रेक्टल रूट भी है। तो रेक्टल रूट से हम देते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास कर देता है, जो मेडिसिन जो है वो डायरेक्टली वहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोकली एक्टिंग भी मेडिसिन होती है वो रेक्टल दी जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पाइल्स के पेशेंट है, फिसर के पेशेंट है, या कोलाइटिस के पेशेंट है, तो उनको लोकली वहाँ पे लगाने के लिए दवा दी जाती है, तो वो भी रेक्टल मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं। तो रेक्टल सपोजिटरी भी हो सकती है। एनीमा आपने सुना होगा, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एनीमा, जो पेट साफ करने के लिए, तो वो भी रेक्टल हमें रेक्टल दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एंटरल रूट है इसका क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि इजी टू टेक, आसानी से ली जा सकती है। मान लीजिए कोई टैबलेट है या कैप्सूल है जो डोजेस फॉर्म है, तो उसको पेशेंट अपने आप खुद उसको एक बार बता दिया कि आपको सुबह एक टैबलेट लेनी है, शाम को लेनी है, तो वो ले सकते हैं। जबकि इंजेक्शंस वगैरह में आपको एक किसी मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी, किसी कंपाउंडर की या नर्स की ज़रूरत होगी उसको दवा को लेने के लिए। तो ईजी टू टेक, इसमें नो नीड ऑफ सेकेंड पर्सन, असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है, चीपर होती है, सस्ती होती है इंजेक्शन की तुलना में। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे पेशेंट कंप्लेंस। पेशेंट कंप्लेंस का मतलब पेशेंट को लेने में आसानी है, सुविधा कैसे है, अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को तो पेशेंट ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, इरीटेट हो जाता है पेशेंट बार बार अगर इंजेक्शन दिया जाए, जबकि ओरल मेडिसिन जो है, ओरल या कोई भी एंट्रल रूट से है, जो लेने में आसानी होती है, पेशेंट आसानी से ले लेता है, तो ये पेशेंट कंप्लेंस। और डिसएडवांटेज के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि लेस बायोअवेलेबिलिटी होता है, इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गन्स होता है, वेस्टेज ऑफ मेडिसिन। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ओरल रूट से हम क्या क्या ले सकते हैं, कैप्सूल है, टैबलेट है, सिरप्स है, ये सब ओरल रूट से ले सकते हैं। इसके अलावा बक्कल और सबलिंगल टैबलेट्स भी आती हैं, पाउडर भी आते हैं कभी कभी माउथ डिजॉल्विंग, और रेक्टल से सपोजिटरी आती है। सपोजिटरी जो लोकल रखी जाती है मेडिसिन है, ऑइंटमेंट भी हो सकता है, एनीमा भी हो सकता है, तो ये सारी जो मेडिसिन है वो रेक्टल की कैटेगरी में आते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे पारेंटरल। तो पारेंटरल मतलब जो इंट्रल रूट के अलावा जो अलग से दी जाती है, जैसे इसमें इंजेक्शन मेनली जो आते हैं तो इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो कॉमन भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो नस में इंजेक्शन लगाया जाता है, जो वेन्स में इंजेक्शन लगाया जाता है उसको इंट्रावेनस कहते हैं। मस्कुलर इंजेक्शन जो मसल्स में लगाया जाता है, तो इसके कॉमन साइट है डेल्टॉइड मसल जो हाथ में बाजू में जो लगता है, और कमर पर जो लगता है वो जो ग्लूटियस मैक्सिस मसल है तो उसमें जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। इसके बाद हम देखेंगे सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस स्किन से थोड़ा सा नीचे या डीप में, हल्का सा डीप में जो लगता है उसको सबक्यूटेनियस कहते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, और इसके अलावा इंट्राडर्मल है, जो सबक्यूटेनियस के बाद जो नेक्स्ट लेवल पे जो लगता है वो इंट्राडर्मल है। तो इनकी जो है एंगल में डिफरेंस होता है, जो इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं तो लगाने का एंगल अलग अलग होता है, उसी से वो सुपरफिशियल और डीप इंजेक्शन होता है। तो सबसे सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस, उसके बाद इंट्राडर्मल, और उसके बाद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसके बाद इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन होता है। तो ये पारेंट्रल हो गए। इसके बाद हम देखेंगे टॉपिकल। तो टॉपिकल तो बहुत आसान टॉपिक है, आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा कि स्किन पे कोई मेडिसिन लगाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कोई ऑइंटमेंट है, जेल है, मलहम वगैरह है। इसके बाद है आई में आई ड्रॉप्स होते हैं, नेजल ड्रॉप्स होते हैं, ईयर ड्रॉप्स भी होते हैं। तो ये सारी जो है एग्जाम्पल है टॉपिकल का। तो ये टॉपिकल रूट हो गया। और ये टॉपिकल रूट का एक जो है एडवांटेज क्या है कि इसमें सिस्टमिक इफ़ेक्ट नहीं होता है। सिस्टमिक इफ़ेक्ट मतलब जब हमने जहाँ मेडिसिन लगाई वो वहीं पर यूज़ होगी, वहीं पे अब्सॉर्ब होगी या लोकली एक्टिंग होगी, तो उसका कोई सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जबकि सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं इंजेक्टेबल्स में, क्योंकि मेडिसिन बहुत फास्टर एक्ट करती हैं। तो इसका एक फ़ायदा भी है कि मेडिसिन फास्टर एक्शन होता है, हमें डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट की जाती है या मसल से अब्सॉर्ब होता है, तो मेटाबॉलिज्म में नहीं जाती है ये मेडिसिन, मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देती है और डायरेक्टली इसमें लीवर और किडनी पे इफेक्ट होने के चांसेस कम से कम रहते हैं। तो इसमें 100% इसमें जो आईवी रूट है, जो हम नस में जो इंजेक्शन देते हैं डायरेक्ट ब्लड में, तो 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो MCQs आते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी किस में होती है, किस रूट में होती है, तो आईवी इंजेक्शन में, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में हमें वो मेडिसिन देते हैं, सीधे एक्शन वहीं होता है जहाँ पे हमें उसका इफेक्ट चाहिए होता है, और ये GI में नहीं जाता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 100% ये अवेलेबल होती है, मान लीजिए आपने जितनी डोज ली उतनी पूरी मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा हम ये जो इसका एक और एडवांटेज हम और कब दे सकते हैं कि पेशेंट कोई अनकॉन्सियस है तब उसको हम इंजेक्टेबल दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है, वो मेडिसिन भी नहीं पचा पाएगा, मान लीजिए टैबलेट दी आपने और टैबलेट भी उसको वॉमिट हो गई, तो उस कंडीशन में भी जो है इंजेक्शन देते हैं। और कलवंसर्स आ रहे हैं या ट्रिमर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, जो झटके आते हैं पेशेंट को या दौरे पड़ते हैं, उस कंडीशन में भी हम इंजेक्टेबल देते हैं। तो ये इतना एडवांटेज है इसका, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये मेडिसिन जो है कॉस्टली होती है और सुटेबल नहीं होती रिपीटेड यूज़ के लिए। बार बार मान लीजिए आपने इंजेक्शन लगाया तो पेशेंट इरिटेट हो जाएगा, इसलिए रिपीटेड यूज़ के लिए सुटेबल नहीं है या पेशेंट कंप्लायंस इसमें अच्छा नहीं होता है। तो ये दो बड़े डिसएडवांटेज है, जो कि आप अपने खुद भी समझ सकते हैं, इसको आम भाषा में जो जनरली आप यूज़ करते हैं मेडिसिन, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जो इंजेक्टेबल्स है। इसके अलावा जो है इंजेक्टेबल्स के अलावा जो है अदर रूट भी है, जैसे इंट्राडर्मल जो पैचेस होते हैं, जैसे बाजू में या किसी बॉडी के पार्ट में कोई पैच लगा दिया किसी पैच इम्प्लांट की हेल्प से, और वो मेडिसिन धीरे धीरे रिलीज होती है, तो वो सिस्टमिक इफेक्ट उसका होता है, उसका लोकल नहीं होता है, उसका सिस्टमिक इफेक्ट होता है। और कुछ डिपोट प्रिपरेशन भी होती हैं, जैसे एक बार एक इंजेक्शन लगाया और वो स्लो एक्टिंग करेगी धीरे धीरे, जैसे कि डिम्पा का इंजेक्शन आप देखा होगा कि डिपोट इंजेक्शन होता है, कि एक इंजेक्शन लगाया और 3 महीने उसका इफेक्ट होता है, तो धीरे धीरे कंट्रोल रिलीज उसका एक्शन होता है या एक्सटेंडेड रिलीज एक्शन होता है, तो धीरे धीरे वो एक्ट करता है, तो वो भी पारेंट्रल रूट में आता है। और उसके अलावा फिर टॉपिकल हमने देखा है, और टॉपिकल लेकिन जो रूट है उसका एक डिसएडवांटेज है वो हम देख लेंगे, क्योंकि लोकल यूज़ में सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होता है, लोकल ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये देख लिया, सारे रूट्स देख लिए, और कुछ जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको डिटेल की बताने वाली हूँ। जैसे कि देखेंगे इन कुछ अलग अलग रूट्स हैं,
उसके एग्जांपल मैं समझाऊंगी। जैसे इन्हेलर है, तो इन्हेलर है ये जो है इन्हेलर जो लोकली हमें तो नाक से दी जाती है, लेकिन इसका इफेक्ट कभी कभी सिस्टमिक भी होता है। लोकल जो है लोकल में जो ड्रॉप्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, जो हमें लोकली एक्टिंग रिजल्ट चाहिए होता है। इसके अलावा जो इन्हेलर होता है उसका सिस्टमिक इफेक्ट होता है। तो सिस्टमिक इफेक्ट कैसे होता है कि जैसे कोई इन्हेलर दिया, गैसियस फॉर्म में कोई मेडिसिन दी, तो वो एब्जॉर्ब होती है लंग में और लंग से सीधे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है और वहाँ से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो ये भी एक फास्ट एक्टिंग सिस्टम है इन्हेलर देने का। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इन्हेलर के फॉर्म में मेडिसिन हम देते हैं। इसके बाद रेक्टल रूट है। तो रेक्टल रूट में आपने, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास करके मेडिसिन जाती है और एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है और लोकल इफेक्ट भी होता है और सिस्टमिक इफेक्ट भी होता है। तो लोकल इफेक्ट के लिए हम कोलाइटिस में, पाइल्स में, फिशर आदि में, ये सब में हम जो है मेडिसिन जो लोकली लगाते हैं वो लोकल, और इसके अलावा रेक्टल रूट से अदर मेडिसिन भी अनकॉन्सियस पेशेंट को देते हैं सिस्टमिक इफेक्ट के लिए। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसडर्मल पैसेज। तो ट्रांसडर्मल पैसेज में स्लो रिलीज होता है या कंट्रोल रिलीज होता है या एक्सटेंडेड रिलीज कह सकते हैं मेडिसिन का, और ये मेडिसिन कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी आर्म के किसी हिस्से में या कहीं पे भी पैच इम्प्लांट की हेल्प से इसको लगा दिया जाता है। धीरे धीरे मेडिसिन काम करती है। और ये जो कंट्रासेप्टिव पैचेस का आपने नाम सुना होगा, कंट्रासेप्टिव इफेक्ट के लिए मेनली जो हार्मोनल्स जो मेडिसिन है तो ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि इसमें जो ड्रग होनी चाहिए वो लाइपोफिलिक होनी चाहिए। लाइपोफिलिक मतलब फैट सॉल्युबल होनी चाहिए, तभी उसका ये रिजल्ट जो हमें मिलता है। इसके बाद हम डिपोट इंजेक्शन का मैंने बताया, ये आपको पहले ही कंट्रोल रिलीज होता है, धीरे धीरे स्लो एक्टिंग होता है और एक साथ पूरी डोज रिलीज नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे सबलिंगल। तो सबलिंगल में जो है ऐसी मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसकी लो ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो ऐसी मेडिसिन जो है उसको हम सबलिंगल देते हैं, वहीं से कोई अब्सॉर्ब होती है। जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस में जो आप जो नाइट्रोग्लिसरीन का जो है आइसोसॉर्बाइड जो है जो देते हैं मेडिसिन जो देते हैं वो मुँह में घुल जाने और जबान के नीचे रखने पर काम करती है, तो वो सबलिंगल है। इसके बाद हम देखेंगे एक डिफरेंट रूट है, इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्राथीकल बहुत लेस कॉमन है और आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, लेकिन मैं डिटेल आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है पेनिट्रेट द सब एरेक्नाइड स्पेस टू अलाउ एसेस ऑफ ड्रग्स टू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूड भरा होता है, जो CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड, तो डायरेक्टली जो है उसमें जाती है ये मेडिसिन। तो इसको कैसे दी जाती है, तो ये आपने देखा होगा कि जैसे कोई ऑपरेशन होते हैं तो ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया आपने नाम सुना होगा। तो बैक में जो स्पाइंस में जो है लोअर बैक में जो स्पाइंस में इंजेक्शन देते हैं और वहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं, तो डायरेक्टली CSF में जाता है, तो वो जो है इंट्राथीकल रूट हो गया। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट, कभी कभी जो है ब्लॉक जो है इंजेक्शन जो दिया जाता है पेन को ब्लॉक करने के लिए, खासतौर से लेबर पेन, जैसे आपने एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि डिलीवरी होती है तो जो बोलते हैं कि पेनलेस डिलीवरी, तो पेनलेस डिलीवरी में भी वो उसी रीज़न पे स्पाइंस में हमें CSF में जो है मेडिसिन देते हैं, यानी CCI तरीके से देते हैं पेन के लिए। तो ये पेन मैनेजमेंट में। इसके अलावा जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें भी इंट्राथीकल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ड्रग का। इसके अलावा और भी कुछ रूट्स हैं जिसकी डिटेल्स हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। कुछ अलग अलग रूट्स हैं, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं अलग अलग तरीके से ईजी वे में, लेकिन जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनका एक डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली होती हैं और जो पुअर पेशेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। पेशेंट की जब कभी इमरजेंसी कंडीशन आती है तभी वो हमें वो रूट यूज़ किया जाता है, या कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है तभी वो डिफरेंट रूट यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में अपने टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।